नंबर 70 वेक्टर्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे, पहले भी आपको चैप्टर्स में मैंने स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ा है, ठीक है। अब जो हमें इसमें मज़ीद पढ़ना है वो पढ़ना है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इसकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, वेक्टर्स तो जो वेक्टर की डेफिनेशन मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ के दोज क्वान्टिटीज विच आर स्पेसिफाइड विद देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसमें मैग्नीट्यूड भी मालूम हो और डायरेक्शन भी, उस ऐसे क्वान्टिटीज़ को हम वैक्टर क्वान्टिटीज़ कहते हैं, ठीक है। अब वैक्टर रिप्रेजेंटेशन पहला टॉपिक है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन वर्ड का मीनिंग क्या है आप लोगों को भी पता होगा। रिप्रेजेंट करना मतलब किस तरह से नज़र आएगा, ठीक है, किस तरह उसकी प्रेजेंटेशन होगी, किस तरह दिखाई देगा। तो अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस करने का तरीका क्या होता है कि वेक्टर पे हम एक एरो लगा देते हैं जो कि उसकी रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। हम उस वर्ड को फिर समझते हैं कि इसका मतलब ये वेक्टर्स है, ठीक है। अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ड्रॉन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। द लेंथ ऑफ द एरो ऑन सुटेबल स्केल इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर एंड द एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन। अच्छा, और एरो का मकसद क्या होता है, उसको हम बनाते कैसे हैं कि जितनी लेंथ होगी हमारे मटीरियल की उतनी लेंथ हम एरो की रखेंगे, वो एरो रिप्रेजेंट करेगा कि इसका इतना मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्केल की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो आप एरो जो बनाएंगे वो 5 सेंटीमीटर का बनाएंगे और उसके ऊपर जो एरो हेड होगा, ये जो एरो हेड होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि जिस तरफ भी ये एरो हेड होगा उसी तरफ की आपकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसमें इन्होंने एग्जांपल दिए कि सपोज अ पर्सन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम अ सर्टेन रेफरेंस पॉइंट। टू रिप्रेजेंट दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वी फर्स्ट इंडिकेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कि ऑब्वियस है कि अगर हमें कोई डायरेक्शंस बतानी है सबसे पहले हमें ये मैप बनाना होता है जिसमें हम इंडिकेट करेंगे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ है, ठीक है। अब इस मैप को देखते हुए हमने ये जो एग्जांपल एक बनाई है कि अगर हम 5 सेंटीमीटर मूव किए हैं तो किस डायरेक्शन में मूव किए, ठीक है। नेक्स्ट चाहिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वैक्टर। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में आपको पता है कि एक चीज़ दूसरे से मल्टीप्लाई होती रहती है, यानी उतनी ही मिकदार में बढ़ती चली जाती है। जैसे अगर 2 का टेबल आप पढ़ते हैं तो वो 2 times ही मल्टीप्लाई होता चला जाता है, सेम एज इट इज़। इसी तरह वैक्टर्स में होता है, क्या वैक्टर इज़ मल्टीप्लाइड बाई अ नंबर इट रिमेन्स अ वैक्टर क्वान्टिटी इफ़ द नंबर से एन इज़ पॉजिटिव। अच्छा, एन क्या है, ये जो n लिखा हुआ है ये n क्या है, ये सपोजिशन है, यानी आपने एक सोच बना ली है, एक सपोज कर लिया है। अब अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इस n का नंबर क्या होगा, 2। अगर 4 से 3 से तो ये n वो नंबर की जगह लिखा है हमने, ठीक है। अगर ये n पॉजिटिव है तो इसका मैग्नीट्यूड जाहिर ही बात है, जैसे अगर एक स्केल आपने 2 सेंटीमीटर का बनाया है तो अब जो उसको मल्टीप्लिकेशन में आपका सेकंड स्केल बनेगा वो 4 का, उसका सेकंड बनेगा वो 8 का, समझ रहे मेरी बात, यानी 2 times मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, इतना उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल वैक्टर एंड इट्स डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। जबकि जो पहले जो कि स्टार्टिंग आपका मैग्नीट्यूड था वो वैसा ही रहेगा, आप उससे फर्दर मजीद उसकी मल्टीप्लिकेशन के मैग्नीट्यूड्स बनाते चले जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव वेक्टर्स में होता क्या है, पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन में, कि अगर आप उसके मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 2 times, 4 times, 8 times वो तो अपनी जगह है, लेकिन अगर n पॉजिटिव है तो फ़र्क किस पर पड़ना है, डायरेक्शन पर फ़र्क पड़ना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 सेंटीमीटर की डायरेक्शन अपवर्ड थी, अब 4 सेंटीमीटर की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, फिर 1 सेंटीमीटर यानी अगर 2 का आप हाफ़ करें उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है, 1/2 सेंटीमीटर उसका भी हाफ़ कर दें तो उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है। डायरेक्शन चेंज नहीं होती अगर n टाइम्स यानी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो,
ठीक है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो जाए तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, यानी अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 4, 8, 16 ऐसा ही होना है। लेकिन फर्क किस पे पड़ता है? डायरेक्शन पे। कि अब इस वाली डायग्राम में आप देखेंगे, अगर पेज नंबर 72 पे जो आपको नज़र आ रही है, कि अगर 2 सेंटीमीटर के का आपके पास ओरिजिनल वेक्टर था, लेकिन जब आपने उसे माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस की वैल्यूज़ में, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, ये एरो हेड इंडिकेट करेगा कि डायरेक्शन चेंज हो गई है।